धर्मपुरी नगर सरकार को लेकर हुए वार्ड आरक्षण के बाद से नगर में राजनीतिक गर्माहट शुरू हो गई है। पहले आम आदमी पार्टी की एंट्री और अब असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की धर्मपुरी में एंट्री होने जा रही है, जिससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रही AIMIM पार्टी ने अब धार जिले के नगरीय निकाय चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी स्तर पर मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। AIMIM पार्टी के धार जिला प्रभारी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली धर्मपुरी में बैठक लेकर करीब 50 कार्यकर्ताओं को ओवैसी की पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अब माना यह जा रहा है कि अगर नगर परिषद चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री होती है तो कांग्रेस के समीकरण बिगड़ जाता है। आपको बताते चलें कि वर्तमान में नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा है, इससे पूर्व भाजपा की परिषद भी रही है। अब नगर सरकार के लिए होने वाले चुनाव में दो नए सियासी दल आम आदमी पार्टी व AIMIM की एंट्री होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टी ने लगभग चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली। आपका नाम? यासिर पठान, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, धार जिला प्रभारी। आज जो मीटिंग रखी थी किस संबंध में रखी गई थी? ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश के अंदर अपने बढ़ते हुए कारोबार को और बढ़ाना चाह रही है। इसी सिलसिले के अंदर आने वाले नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव अभी जो कुछ जिलों के अंदर बाकी है, धर्मपुरी के अंदर भी है, उसके लिए हमने आज मीटिंग रखी थी। और आने वाले विधानसभा चुनाव की और आने वाले हर चुनाव के लिए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन धार जिले के अंदर अब अपनी क़यादत के लिए खड़ी होगी मजबूती के साथ में। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।